आज जो है बनेगा ग्रीन समोसा बढ़िया वाला, पहला ऐसा रेसिपी। तो चलो आलू डाल लिया हमने, आलू डाल लिया, सीटी लगवानी है। चलो वेट करते अब जो है डाल लिया हमने अपना ग्रीन पेस्ट, हरा हरा पत्तों का पेस्ट, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नो कलर। चलो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एकदम बढ़िया सा, एकदम नरम सा कर लेंगे, बढ़िया वाली नरम कर लेंगे। चलो अब रेडी, इसकी गोली बना लेंगे हम, गोली बन के रेडी हो गए हमारे। चलो अब तो इन्हें बेलनी पड़ेगी, पहले धनिया काट लेते हैं, कच्च। अब डालेंगे हम इसमें हल्दी ताकि तेल ना उबले, नहीं तो बहुत उबलता है तेल। मिर्च डालिए सूखी मिर्च, बढ़िया तेल आती है इससे, बढ़िया महक हो जाएगी आलू में। आलू हमारा उबल चुका है, बिल्कुल ठंडा कर लिया था पहले। भाई आलू क्यों फिसल रहा है समझ नहीं आ रहा, इसे अच्छे से पेस्ट करना पड़ेगा। धनिया ऐड कर लिया, धनिया अच्छे से इसके साथ मिला लेंगे, और जो है कुछ मसाले भी तो चाहिए थे। चलो ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मसाले बाद में डाल देंगे, थोड़ा बहुत मिक्स कर लेते हैं, तेल में डाल लेते हैं। भाई अब तेल में बढ़िया पकेगा, एकदम टिक्का सा आलू बन जाएगा, ये दुकान से तो बढ़िया मसाला बनेगा। हाँ भाई नमक ऐड करना तो भूल गया, नमक ऐड करनी है। चलो इसे मिला लिया अच्छे से, और थोड़ा बढ़िया अच्छे से मिलानी है, बढ़िया मिलानी है भाई। चलो अब क्योंकि रेडी है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, अब अच्छा समोसा खाना है तो टाइम तो लगेगा ना, इतनी जल्दी थोड़ी बन जाएगा। अच्छे से मिलाते हैं भाई, अच्छे से मिलाते हैं। चलो अब रेडी है, इसे ठंडा कर लेंगे, समोसे में डाल लेते हैं इसे, देखा कितना हरा 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 है, बढ़िया बहुत हेल्दी है। हरे पालक का ऐसा समोसा बढ़िया लगेगा। चलो अभी के लिए चार ही समोसा बनाते हैं, बाद में और बना लेंगे जब वीडियो बना लेंगे। तेल हमारा रेडी है, अब तेल में बस समोसे डालने के लिए। चलो अब समोसे डाल लेते हैं, हल्के आँच में पकाना है इसे, नहीं तो बिल्कुल एकदम कड़क हो जाएगा। हालांकि मैंने आटे का समोसा बनाया है तो थोड़ा सा तो, पर मैदे का भी बढ़िया लगता है, पर ज़्यादा हेल्दी होता है आटे का, इसलिए मैंने आटे का बनाया। चलो ये उबलने लगे, इन्हें एक्चुअली 5 मिनट पकने देना पड़ेगा अच्छे से, फिर थोड़ा पलट दूंगा। चलो अब मैं जाकर थोड़ा मीठी चटनी बना लेता हूँ, मीठी चटनी का रेसिपी मैं दूसरे दिन दिखाऊंगा, आज मैं बस समोसे की रेसिपी दिखा रहा हूँ। थोड़ा पलट देते हैं इन्हें, समोसा हमारा बिल्कुल रेडी है, अब इन्हें सर्व करना है। बढ़िया समोसा बना है, बढ़िया, अब बस चटनी डालना है। मीठी चटनी मैंने रेडी कर लिया था, चटनी भी डल गया, बढ़िया बना है। धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।